तो गाइस फाइनली अभी हम चरण तीर्थ पहुंच चुके हैं, काफी थक चुके हैं। 4 घंटे का रास्ता था, सुबह 9 बजे घर से निकले हैं, काफी थक चुके हैं गाइस। जो झरना था वहाँ एंजॉय किए तो काफी मजा आया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भूख भी लग चुका है तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग सीधे जा रहे हैं ऊपर की तरफ। लगभग 200 सीढ़ी क्रॉस करके हम लोग ऊपर आ चुके हैं और थक चुके हैं, थोड़ा देर बैठे हैं यहाँ पे और जूता वगैरह भी यहाँ निकाल लिए हैं। और हम भी निकल चुके हैं, काफी अच्छा है। गाइस यहाँ काफी अंदर है, जाने में काफी अच्छा लगा है और अंदर में भव्य है चरण तीर्थ का मंदिर। ये देखिए गुफा के अंदर से आता है, ये जो गुफा है ये आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है गाइस यहाँ पे नहाना शुद्ध होता है। एक पुल था और उस पुल को पार के यहाँ पे केला लगाया गया है, काफी बड़ा एक कुआं की तरह पुल था। तो फाइनली गाइस जो यहाँ का जगह था, जो भी यहाँ का दर्शनीय स्थल है वो हमने देख लिया और आप लोगों को हम लोग दिखाए हैं। गाइस यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आते हैं और
जो भी है अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा जगह है, जो भी दर्शनीय स्थल था हम लोग सारा चीज़ घूम चुके हैं। अब जाते जाते सीढ़ी को काउंट करेंगे, सीढ़ी कितना है उसको पूरा काउंट करेंगे और आपको बताते हैं लास्ट में सीढ़ी कितना हुआ। गाइस अब जा रहे हैं, यही रास्ता है। तो फाइनली गाइस हम सीढ़ी से नीचे उतर चुके हैं, सीढ़ी 260 है। यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए आपको 260 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा भाई। फाइनली गाइस चरण तीर्थ का जो भी यहाँ का देखने लायक स्थल है वो हमने सारा कुछ घूम लिया। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब। और गाइस पिछले वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा वाटरफॉल वाला है, देख लेना। हम लोग अब जा रहे हैं, देखिए बाइक से, और इसी रास्ते से हम लोग।